नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है एक और नए वीडियो में आप सभी का। आज हम बात करेंगे IPL 2021 के लिए जो चेन्नई में हुआ मिनी ऑक्शन, उसमें कुछ चुनिंदा प्लेयर जो बहुत महंगे बिके और कुछ ने अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज चेंज कर ली। सबसे पहले बात करते हैं IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस की। जी हाँ, क्रिस मॉरिस की हुई घर वापसी। 2015 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते थे और 21 में भी आपको राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में दिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं काइल जेमिसन। 15 करोड़ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इन्हें खरीदा। ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब अपनी पुरानी फ्रेंचाइजीज को छोड़ दिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ जुड़ गए 14.25 करोड़ के साथ। और उसके बाद 14 करोड़ में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज रिचर्डसन पंजाब किंग्स के साथ जुड़े। स्टीव स्मिथ अपनी राजस्थान रॉयल्स, जो इनकी एक ऐसी टीम थी, हर शख्स ये मानता था कि राजस्थान रॉयल्स के लिए तो स्मिथ ही सब कुछ हैं, वो अब दिखेंगे हमें DC यानी दिल्ली कैपिटल की ओर से। 2 करोड़ बेस प्राइस के साथ दिल्ली ने इन्हें ले लिया। इसके अलावा डैनियल क्रिश्चियन 4 करोड़ में RCB के पास आ गए और रैन मेरेदत्त 8 करोड़ में पंजाब किंग्स के पास। 1.5 करोड़ में डेविड मिलन पंजाब किंग्स के पास। शाकिबुल हसन की हुई घर वापसी। कोलकाता में आ गए शाकिबुल हसन। पहले भी KKR की ओर से ही खेलते थे, लेकिन कुछ साल बीच में खेले नहीं और जब आए तो वापस 3 करोड़ में इनके पास आ गए। और हरभजन सिंह भी हमें दिखेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से। और भी कुछ प्लेयर हैं। 292 खिलाड़ियों में से 57 खिलाड़ियों की इस साल खरीदारी हुई। 61 खिलाड़ी खरीद सकती थी टीमें, लेकिन 57 ही खरीदी, जिसमें ऑलराउंडर सबसे ज़्यादा बिके। एक रिकॉर्ड अपने नाम किया कृष्णप्पा गौतम ने अनकैप प्लेयर होने के साथ सबसे महंगे बिके। जी हाँ, 9 करोड़ रुपये में चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीद लिया कृष्णप्पा गौतम को। अनकैप प्लेयर हैं ये, अनकैप यानी एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेले गए। मोइन अली दिखेंगे हमें चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। तो साथियों, ये थी अहम जानकारियाँ। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपसे अंत में अनुरोध, गुजारिश, इल्तिजा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना। लेकिन एक अहम जानकारी, मुंबई इंडियंस में अर्जुन तेंदुलकर को 20 लाख रुपए बेस्ट प्राइस पे खरीद लिया गया। मुंबई तो शुरू से ही टीम एक बहुत ही उमदा टीम है, इसलिए इन्होंने कोई ज़्यादा खिलाड़ी खरीदे नहीं, इसलिए आपको इसकी जानकारी मैं अंत में दे रहा हूँ। मुंबई ने नेथन कुल्टरनेल, जेमिसन और अर्जुन तेंदुलकर जैसे प्लेयर्स को खरीदा। वहीं सनराइजर हैदराबाद भरी पूरी टीम थी, कोई कमी नहीं थी, इसलिए 3 खिलाड़ी खरीदे, जिसमें मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए आ गए इनके पास केदार जाधव। अब प्लीज़ इल्तिजा है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे और वीडियो को पसंद भी करेंगे आप। और कोई कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए ना, सुधार करूँगा, आप ही का तो चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद।